हेलो बच्चों, अभी वॉइस आ रही है। सचिन बेटा, अभी वॉइस आ रही है। सचिन सचिन, अभी आवाज़ आ रही है मेरी। सचिन, आवाज़ आ रही है मेरी। सचिन यादव बेटा, अभी वॉइस क्लियर आ रही है। हेलो सचिन, मेरी आवाज़ आ रही है। अब मुझे लग रहा है आ रही होगी आप लोगों को। जल्दी से यस और नो लिख के भेज दीजिए बच्चों, जल्दी से यस और नो लिख के भेज दीजिए। बेटा जो लोग देख रहे हैं वो हाय कर दें एक बार। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए, अब आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू सचिन। अब देखिए बेटा, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको स्क्रीन थोड़ा और बड़ी चाहिए, क्या स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? बड़ी स्क्रीन तो चाहिए, बड़ी स्क्रीन और करिए बेटा। ये साइज़ थोड़ा और बड़ा कर दें, कहिए तो आपके लिए ये विजुअल है आपको। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या सारे लोगों को ये दिख रहा है। हाँ चलो भाई, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर बेटा देखिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करेंगे। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल से शुरू होता है। फिर सेल्स होती हैं, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बेटा क्या बनता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देन ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़ बनती हैं, कम्युनिटीज़ से इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम्स आपस में मिलेंगे तो बायोम का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, हर एक लेवल पे बेटा, इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों? दो टाइप के। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टाइप। बेटा पहला क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टाइप, और दूसरा पूछते हैं वाई टाइप। तो देखिए आप बेटा, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला है हाउ टाइप क्वेश्चन, पहला है हाउ टाइप क्वेश्चन। हाउ टाइप क्वेश्चन हमें मैकेनिज्म के बारे में बताएगा, याद रखिएगा। हाउ टाइप क्वेश्चन हमें मैकेनिज्म बताता है, और वाई टाइप क्वेश्चन शो होते हैं बच्चों मेरे पास, वाई टाइप क्वेश्चन शो होते हैं ये सिग्निफिकेंस को बताते हैं। ये किसको बताते हैं? सिग्निफिकेंस को। इस पेज पे इसके अलावा कुछ मत देखिएगा, बाकी चीज़ें आपको आती आती हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक डिफिनीशन दी गई है इकोलॉजी की। इकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? पहली बात तो इकोलॉजी क्या है? इंट्रैक्शंस है। किसके बीच में इंट्रैक्शन है? ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या इंट्रैक्शन है? ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या इंट्रैक्शन है? ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में क्या इंट्रैक्शन है? इस इंट्रैक्शन की हिस्ट्री को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। टर्म इकोलॉजी किसने दिया था बेटा? टर्म इकोलॉजी वॉज प्रपोज बाई हैकेल। और बेटा अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब किसने किया था? रीटर ने, ठीक है ना। तो देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टर्म इकोलॉजी को बताया किसने? रीटर, है ना। और अगर बहुत अच्छे से पूछा जाए डिस्क्राइब करके किसने बताया? हैकेल ने। तो अगर आपसे हैकेल और रीटर में से कोई ऑप्शन चूज करने को आता है, आप हैकेल लगाइएगा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा, याद रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। सौरभ बेटा गुड आफ्टरनून, रोशनी गुड आफ्टरनून, सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या बताया मैंने? इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस इंट्रैक्शन को बेटा हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी को इस चैप्टर में बेटा फोर लेवल पे आपको बताया जा रहा है कि हम इकोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो मेनली फोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इकोलॉजी में डील करते हैं। कितने बेटा ऑर्गेनाइजेशन को डील करते हैं? फोर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इकोलॉजी में डील किया जाता है। सबसे पहले हम लोग किसको डील करेंगे? ऑर्गेनिज्म को। फिर किसके साथ में डील करेंगे? पॉपुलेशन के साथ। फिर किसके साथ डील करते हैं? कम्युनिटीज के साथ। एंड एट द लास्ट बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोम्स, ठीक है। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। देखिए यहां पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो इकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग बेटा, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे पढ़ी जाने वाली इकोलॉजी को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा आपका, नीट का, नीट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिए।
सबसे पहले आप पहले याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे पाई जाने वाली जो इकोलॉजी होती है उसे हम लोग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के अलावा आपको बताया जा रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटा अडेप्टेशन करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म बेटा डिफरेंट जगह पे रहने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अडेप्टेशन करता है। और अडेप्टेशन ये केवल और केवल सर्वाइवल के लिए नहीं करता बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए भी करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए क्या करता है, अडेप्टेशन। अब देखिए बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी जो प्लैनेट अर्थ है ये सन के अराउंड बेटा क्या है, सन के अराउंड चक्कर काटती है, रोटेशन करती है ना। ये हमने पहले पढ़ा है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये सन के अराउंड क्या करता है, चक्कर काटता है, ठीक है। और जब ये सन के अराउंड चक्कर काटता है तो आपको ये भी पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर इस झुके होने के कारण और रोटेशन के कारण क्या हो रहा है बेटा, एनुअल वेरिएशंस होते हैं। और याद रखिएगा ये एनुअल वेरिएशन बेटा किस चीज में होते हैं, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। और इसकी वजह से बेटा डिफरेंट सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए आपको बताया जा रहा है कि प्रेसिपिटेशन क्या है बेटा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो। ये चीज आप याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन और स्नो दोनों होता है। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे पास में बायोम कितने टाइप के हैं। अगर अर्थ पे देखे जाए तो टोटल अर्थ पर बेटा कितने टाइप के बायोम हैं आपसे पूछा जाएगा, बताइए टोटल अर्थ पर कितने बायोम हैं, आप बताएंगे सर बायोम जो अर्थ पर हैं वो टोटल कितने हैं, 6। अर्थ पर टोटल कितने बायोम हैं बच्चों, 6 बायोम हैं। देखिए सबसे पहला बायोम कौन सा है, डिजर्ट। दूसरा बायोम कौन सा है, ग्रासलैंड बच्चों। तीसरा जो है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फोर्थ कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट। और बेटा फिफ्थ कौन सा है, कोनीफर फॉरेस्ट। और बेटा सिक्स कौन सा है, आर्कटिक एंड एप्लाइन टुंड्रा। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है बच्चों, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। आपसे पूछा जा सकता है एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन को हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं। और देखिए इधर वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है, मीन एनुअल टेम्परेचर, इसे डिग्री सेल्सियस में लिया गया है। तो टोटल बायोम एक बार और बता दिए जल्दी से, डिजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफर फॉरेस्ट एंड आर्कटिक एंड एप्लाइन टुंड्रा। दिस इज क्लियर ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा बायोम होता है, बायोम में कभी कभी लोकल और रीजनल चेंज आ जाते हैं। एनसीईआरटी के ये टर्म को याद रखिएगा, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। बेटा कौन से वेरिएशन की बात कर रहे हैं, रीजनल और लोकल वेरिएशन किस में होते हैं, हर एक बायोम में। हर एक बायोम में बेटा क्या होता है, लोकल और रीजनल वेरिएशंस आते हैं। और लोकल और रीजनल वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के हैबिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ आ रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे हमारे बेटा हमारा जो बायोम है, बायोम में किन चेंजेस की वजह से हैबिटेट बनता है, बताइए किन चेंजेस की वजह से हैबिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, लोकल एंड रीजनल चेंजेस की वजह से। अब देखिए आपको बेटा अगले पेज पे जो पॉइंट याद रखना है, ये देखिए आपको बताया गया है इंडिया में कौन कौन से बेटा कौन कौन से बायोम इंडिया में पाए जा रहे हैं। ये वाला फिगर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए बेटा, कितने बायोम आपको इंडिया में बताए जा रहे हैं, 4 बायोम है। देखिए सबसे पहला कौन सा बायोम है, सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला बायोम का नाम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेटा। दूसरे बायोम का नाम क्या है, इस वाले का क्या नाम है, डेसीडुअस फॉरेस्ट। और बेटा इस बायोम का नाम क्या है, डिजर्ट बेटा। इसका नाम क्या है, डिजर्ट। और इसका क्या है बच्चों, इसका नाम है सी कोस्ट। तो बेटा बताइए कितने बायोम हमारे इंडिया में है, 4। कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा डेसीडुअस फॉरेस्ट, तीसरा डिजर्ट है, और फोर्थ कौन सा है बच्चों, सी कोस्ट। अब इसके बाद में देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब आपको नेक्स्ट पेज पे बेटा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है
बेटा जो नीट में पूछा जाएगा वही पॉइंट कंसीडर करेंगे और ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। जरा सुनिएगा, हैबिटेट की बात की जाए तो बोला जा रहा है ये जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होते हैं ये दो टाइप के बेटा फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना बेटा। हैबिटेट जो होता है ये कितने फैक्टर से कंट्रोल होता है, दो फैक्टर से। एक होते हैं बेटा फिजियोकेमिकल और एबायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट, और दूसरे होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर्स। तो दो कंपोनेंट हैं आपके, देखिए पहला कौन सा है फिजियोकेमिकल और एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा है बायोटिक कंपोनेंट। तो बेटा एबायोटिक कंपोनेंट कितने हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कौन है टेम्परेचर बेटा, दूसरे नंबर पे वाटर, तीसरे नंबर पे लाइट और फोर्थ नंबर पे सॉइल है। अब इसके बाद में देखिए बायोटिक कंपोनेंट कितने हैं, फोर। कौन कौन से हैं बच्चों, पहला कौन सा है पैथोजन, दूसरा है पैरासाइट, तीसरा है प्रीडेटर और फोर्थ है कंपटीटर। तो हमारे पास में फोर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कौन कौन, टेम्परेचर वाटर लाइट सॉइल, और बेटा बायोटिक कंपोनेंट कितने हैं फोर, पैथोजन पैरासाइट प्रीडेटर एंड कंपटीटर। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आपको और मिलेगा निस। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का बेटा किसी भी हैबिटेट में वो अगर रह रहा है और उसके अगर फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे कानपुर में रह रहा हूँ, मेरी हैबिटेट बेटा काकादेव हो गई, तो मेरी हैबिटेट क्या है काकादेव, और काकादेव में बेटा जो हमारा फंक्शन क्या है, काकादेव जो हैबिटेट है इसमें हमारा फंक्शन क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निस। बात समझ में आ रही है, मतलब हैबिटेट के साथ में अगर किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में बात कर दी जाए तो इसे निस कहते हैं, क्या कहते हैं निस, ठीक है। तो निस क्या होती है, ईच ऑर्गेनिज्म हैव इनवेरिबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट, बेटा टॉलरेट को मार करिए, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेस यूटिलाइजेस डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। इसे बेटा मिला के क्या कहते हैं, निस कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं निस कहते हैं। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा आप, आगे देखिए आपको बताया जा रहा है मेजर बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। और आपको ये भी पता है कि बेटा जो आपका टेम्परेचर है, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे या फिर प्लेन से माउंटेन की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर बेटा डिक्रीज होता है। जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे या प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ मूव करेंगे तो बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे या प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है यहां पर कि जो जहां पे गर्मी नहीं होती उन कंट्रीज में मैंगो नहीं पाया जाता। तो मैंगो बेटा किन कंट्रीज में नहीं पाया जाता, ये कमेंट करके आपको बताना है कि मैंगो किन कंट्रीज में नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइए। देन वैसे ही आपको बताया जा रहा है स्नो लियोपार्ड जो होता है बेटा, ये स्नो लियोपार्ड केरला में नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा टूना फिश रेयरली मिलती हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाहर। बात समझ आ रही है ना, मतलब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाहर बेटा जो आपकी टूना फिश हैं ये रेयरली कॉट होती हैं। और इसके बाद में देखिए आपको एक और बात बोली जा रही है कि दो टर्म दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए दो टर्म दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है यूरी थर्मल के बारे में और दूसरा बताया जा रहा है स्टेनो थर्मल के बारे में। बेटा आपके यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरी थर्मल कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर
को टॉलरेट करें, है ना। जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में मिटा रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल। अब इसके बाद में देखिए बेटा, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो थर्मल टॉलरेंस होती है ये डिसाइड करती है उस ऑर्गेनिज्म का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, थर्मल टॉलरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज ये बेटा डिसाइड करेगी कि उस ऑर्गेनिज्म का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताइए। लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया मैंगो कहाँ पर पाया जाता है। बेटा मैंगो कहाँ नहीं उगेगा, मैंगो कहाँ नहीं उगेगा बताइए? जर्मनी, और जर्मनी में नहीं उगता है और कनाडा में नहीं उगता है। तो याद रखिएगा, जर्मनी और कनाडा जैसी कंट्रीज वो होती हैं जो टेम्परेट कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं? टेम्परेट कंट्रीज। यहाँ पे मैंगो नहीं उगता है, यहाँ पे मैंगो नहीं उगता है। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों, आगे देखिए आपको बताया जा रहा है वाटर के बारे में। अब इस वाले पैरा में आपको बेटा केवल दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि बेटा हम लोग अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए देखें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड पीएच ऑफ वाटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा बेटा साल्ट कंसंट्रेशन भी बेटा, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करती है। और बेटा इस साल्ट कंसंट्रेशन को हम एज ए सैलिनिटी मेजर करते हैं, और इसे मेजर किया जाता है, इस सैलिनिटी को मेजर किया जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड में, पीपीटी में करते हैं, पीपीएम में नहीं करते हैं, पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड में करते हैं। अब देखिए आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा इनलैंड वाटर होता है, जो हमारा पानी बेटा जो नॉर्मल जगह पे हो रहा है, जो लैंड पे पाया जा रहा है, तो जो लैंड वाटर होता है, लैंड वाटर में बताइए, लैंड वाटर में बेटा कितना होता है पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड बेटा साल्ट कंसंट्रेशन कितनी होती है? लेस देन फाइव पीपीटी, है ना, लेस देन फाइव पीपीटी बेटा क्या होती है, साल्ट कंसंट्रेशन होती है लैंड वाटर में। अब देखिए बेटा यहाँ पे सी वाटर में बताई जा रही है, सी वाटर में कितनी होती है, 30 to 35 पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। और देखिए हाइपर सलाइन लेग्यून की बात की जा रही है, हाइपर सलाइन लेग्यून में देखिए जो आपकी साल्ट कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 100 है, कितनी है, ग्रेटर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड। अब इसके बाद में देखिए आपको बेटा दो टर्म और बताए जा रहे हैं, एक टर्म है यूरी हेलाइन, पहला टर्म क्या है बच्चों, यूरी हेलाइन, और दूसरा वर्ड है स्टेनो हेलाइन। बेटा दो टर्म है, एक है यूरी हेलाइन और दूसरा है स्टेनो हेलाइन, ठीक है, एक क्या है यूरी हेलाइन और दूसरा क्या है स्टेनो हेलाइन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बेटा दो टर्म है, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। अभी आपने पढ़ा था यूरी थर्मल और स्टेनो थर्मल, वैसे ही यहां पे दूसरा टर्म दिख रहा है यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। देखो यूरी हेलाइन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को उन्हें कहते हैं यूरी हेलाइन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं स्टेनो हेलाइन। अब इसके बाद में इस वाले पैरा में आप कुछ मत देखिएगा। अब इसके बाद में देखिए आपको बेटा नेक्स्ट फैक्टर बताया जा रहा है लाइट। तो लाइट को अगर हम बेटा अगर एबायोटिक फैक्टर की तरह पढ़ें तो ये जो लाइट होती है ये एनिमल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट के लिए बेटा ये लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाता है। और इसके अलावा ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट बेटा प्लांट जो है फ्लावरिंग करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए जो है प्लांट को बेटा फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट होती है, और फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट मतलब फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए प्लांट को लाइट की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट को लाइट की जरूरत बेटा दो चीजों के लिए है, पहला फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। अब देखिए अब एनिमल को बेटा बताइए क्या फोटो पीरियड की जरूरत है, बिल्कुल है। तो देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारे एनिमल के लिए भी लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करती है, क्योंकि
ये डाइयूरेनल में काम करता है, और सीजनल वेरिएशन जो होते हैं ये सारी चीज़ें बेटा कंट्रोल होती हैं लाइट से। अब इसके अलावा देखिए, ये जो आपकी लाइट है, ये लाइट बेटा एनिमल को फॉरजिंग करने में हेल्प करती है, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटिव एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। अब इसके बाद में देखिए, आपको बताया जा रहा है कि अगर हम समुद्र में 500 मीटर नीचे चले जाएं, समुद्र में बच्चों 500 मीटर नीचे चले जाएं, तो वहाँ पर सिलिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बेटा सिलिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी सन नहीं है बेटा। वहाँ के लोग नहीं जानते कि जो सिलिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है कि नहीं है। मतलब 500 नीचे अगर आप समुद्र में जा रहे हैं, नीचे 500 मीटर समुद्र में नीचे चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर बेटा सनलाइट नहीं पहुँचती है, और इसलिए वहाँ पे सन सिलिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता। अब इसके बाद में देखिए, आपको बेटा यहाँ पर एक बात और बोली जा रही है, आपसे बोला जा रहा है कि डीपेस्ट एल्गी कौन सी है। बताइए डीपेस्ट एल्गी कौन सी है, डीपेस्ट एल्गी कौन सी है इनमें से, रेड एल्गी में, ग्रीन एल्गी में और ब्राउन एल्गी में, इनमें से डीपेस्ट एल्गी का नाम कौन है? बताइए डीपेस्ट एल्गी कौन सी है बच्चों? रेड एल्गी। याद रखिएगा, डीपेस्ट एल्गी का नाम क्या है? रेड एल्गी। अब इसके बाद में आपको इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर में बेटा फोर्थ कौन सा बताया गया है? सोयल बताया गया है। अब ये बोला जा रहा है कि बेटा किसी भी जगह की जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जो सोयल पाई जाती है, ये डिफरेंट प्लेसेस पे पाई जाने वाली सोयल का नेचर क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये डिपेंड कितनी चीज़ों पे करती है? ये डिपेंड करती है बेटा वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ की वेदरिंग प्रोसेस पे, और इसके साथ साथ में वो सॉयल ट्रांसपोर्टेड है या फिर सेडिमेंट्री है, और इसके अलावा सॉयल डेवलपमेंट प्रोसेस वहाँ पे कैसे हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि सॉयल का नेचर क्या होगा और प्रॉपर्टी क्या होगी। अब इसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि अगर हम लोग सॉयल की बात करते हैं, तो सॉयल में बेटा सॉयल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सॉयल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक्स आप सॉयल देखिए कितने हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? सॉयल कंपोजिशन। बच्चों देखिए, पहला कौन सा करेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है सॉयल कंपोजिशन। बेटा दूसरा करेक्टरिस्टिक सॉयल क्या है? ग्रेन साइज। बेटा तीसरा कौन सा है? एग्रीगेशन। और ये तीनों चीजें डिसाइड करती हैं सॉयल में, सॉयल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और सॉयल का एग्रीगेशन, ये डिसाइड करता है कि किसी भी सॉयल में परकोलेशन कैसे होगा और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी। ये तीनों चीज़ें बेटा डिसाइड करती हैं क्या, परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? सॉयल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन। इसके अलावा इस सॉयल के कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। इसके अदर करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला करेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? पीएच। बेटा दूसरा क्या है? मिनरल कंपोजिशन। बेटा दूसरा क्या है? मिनरल कंपोजिशन। और इसके अलावा क्या है? टोपोग्राफी। बेटा ये छह चीजें हो गई जो डिसाइड करती हैं। ये छह देखिए, छह कंपोनेंट कौन कौन से सॉइल के, छह करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हो गए? पहला क्या हो गया? सॉइल कंपोजिशन। पहला क्या है बच्चों? सॉइल कंपोजिशन। दूसरा क्या है? ग्रेन साइज। और बच्चों तीसरा क्या है? एग्रीगेशन, सॉयल एग्रीगेशन। फोर्थ बेटा क्या है? फोर्थ है पीएच। बेटा फोर्थ क्या है? पीएच। और बेटा फिफ्थ क्या है? मिनरल कंपोजिशन। और बेटा बताइए सिक्स क्या है? टोपोग्राफी। ये सिक्स फैक्टर हैं, ये सिक्स फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी भी एरिया में जो सॉयल पाई जा रही है, उस सॉयल पे कैसा वेजिटेशन होगा, वहाँ पे कैसा फ्लोरा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? सॉयल डिसाइड करती है। और इसके अलावा बेटा जैसा फ्लोरा होगा वैसा ही वहाँ पे फना भी होगा, मतलब उसी टाइप के वहाँ पर एनिमल्स भी पाए जा रहे होंगे। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि अगर हम लोग एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात कर लें, किसकी बात कर लें? एक्वेटिक इन्वायरमेंट की। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे कौन कौन से बेंथिक एनिमल्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग में आप देख लीजिए, आ जाइए
यहां पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे जो देखने को मिलेगा वो टर्म कौन सा है, होमियोस्टेसिस। बेटा टर्म क्या है, होमियोस्टेसिस। क्वेश्चन आएगा यहां से, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा बच्चों यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखिए क्या होता है ये होमियोस्टेसिस, क्या होता है आपको बेटा कई बार बताया गया है व्हाट इज होमियोस्टेसिस। तो देखिए होमियोस्टेसिस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कर लेता है तो इस प्रोसेस को बच्चों होमियोस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस। अब इसके बाद में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स की। बेटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स की, और यहाँ पर देखिए आपको बेटा चार्ट दिखाया जा रहा है, एक ग्राफ दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ में देखिए आपको दिखाया जा रहा है एक्स एक्सिस पे दिया गया है एक्सटर्नल लेवल, और बेटा वाई एक्सिस पे क्या लिया जा रहा है, इंटरनल लेवल। अब अगर आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस में मान लीजिए टेम्परेचर ले लिया है, एक्सटर्नल लेवल क्या ले लिया है, टेम्परेचर। तो बेटा अगर हम ह्यूमंस के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर अगर हम डिसाइड करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर 37 डिग्री से कम होगा तब भी देखिए हमें बेटा कांस्टेंट बॉडी, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तब भी हमारा बेटा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या हैं, रेगुलेटर हैं। तो रेगुलेटर के लिए देखिए एक कांस्टेंट बेटा रेड लाइन दिखाई जा रही है। अब इसके अलावा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कन्फॉर्मर कहते हैं, और इनके लिए देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक बेटा ये कैसे काम करते हैं, कन्फॉर्मर की तरह, और उस टेम्परेचर के बाद में ये कैसे काम कर रहे हैं, रेगुलेटर की तरह। इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। तो ये एग्जाम में बेटा आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन जो जा रही है बेटा, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, ये रेगुलेटर की रेगुलेटर को डिनोट कर रही है। ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, कन्फॉर्मर को। और बेटा एक आपको लाइन दिख रही है जो पहले तो ऊपर जा रही थी फिर बेटा सीधी कांस्टेंट हो गई, ये पार्शियल रेगुलेटर को डिनोट कर रही है। एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल लेवल लिया गया है और वाई एक्सिस पे इंटरनल लेवल को लिया जा रहा है। एंड देन इसके बाद में देखिए आपको बेटा सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है रेगुलेटर्स के बारे में। वो लोग जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं रेगुलेटर, है ना। ऐसे लोग जो अपना बेटा होमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं, है ना। और ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन कैसे करते हैं, ये होमियोस्टेसिस को फिजियोलॉजिकली भी मेंटेन कर सकते हैं और कभी कभी बिहेवियरली भी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो बेटा अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना लेते हैं इन्हें हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। और ये रेगुलेटर में कौन कौन आते हैं, इनमें आते हैं बर्ड्स, सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट्स और बेटा और कुछ इनवर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट स्पीसीज बेटा ये याद रखिएगा, ऑल बर्ड्स मैमल वेरी फ्यू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, मतलब बहुत कम इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैं और बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट स्पीसीज हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं। और बेटा आपको बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी कि जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं या जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ऐसा इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो सक्सेस ऑफ मैमल है बेटा, सक्सेस ऑफ मैमल ये क्यों हुआ, बहुत मैमल्स का बेटा इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ, मैमल्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व किए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करना जानते थे और इसीलिए ये मैमल्स बेटा दुनिया के हर एक कोने में पाए गए।
मतलब ये वहां पर भी पाए गए जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी थी, मींस ये अंटार्कटिका में भी पाए गए, और इसके अलावा ये ऐसी जगह भी पाए गए जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, ये सहारा डिजर्ट में भी पाए गए। तो मैमल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए, मैमल्स सक्सेसफुल क्यों हुए? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि मैमल्स की सक्सेसफुल होने के पीछे बेटा रीजन क्या है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख पाते हैं, इसीलिए हम मैमल्स बेटा दुनिया के हर एक कोने में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में आपको बेटा क्या बताया जा रहा है, इसके बाद में आपको बताया गया है कि हमारा जो ह्यूमन है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और जब भी बेटा हमें गर्मी लगती है तो गर्मी होने के केस में बेटा क्या होता है, गर्मी होने के केस में स्वेटिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चों, स्वेटिंग करते हैं, इवोपरेटिव कूलिंग करते हैं, और इवोपरेटिव कूलिंग बेटा कैसे करते हैं बेटा, स्वेटिंग के थ्रू। और जब भी हमें सर्दी लगती है तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, सीवरिंग करते हैं, और सीवरिंग जब करते हैं तो सीवरिंग एक टाइप की एक्सरसाइज है जिससे हमारा जो हीट है और बॉडी टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, इसलिए हम लोग सीवरिंग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जाड़े में आपको कपकपी क्यों आती है, क्योंकि वो एक काइंड की एक्सरसाइज है, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर बेटा बढ़ता है, इसलिए आपको सीवरिंग होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा कन्फॉर्मर की बात की जा रही है बच्चों, कन्फॉर्मर ध्यान से देखिएगा, कन्फॉर्मर क्या होते हैं, अभी मैंने बोला था ऐसे लोग जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करना जानते हैं उन्हें हम लोग रेगुलेटर कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते जो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मर्स। बेटा जो कन्फॉर्म होते हैं, कन्फॉर्म बेटा कन्फॉर्म कौन होते हैं, कन्फॉर्म वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। अब इनमें देखिए आपको बताया जा रहा है कन्फॉर्म में कौन कौन है, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैं, और इसके अलावा रेयरली जो नियरली और प्लांट, ये सारे कन्फॉर्म हैं, ये सारे क्या हैं, कन्फॉर्म, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर अपने एम्बियंट इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। अब देखिए इसके अलावा आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसके बाद में आ जाइए बेटा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आपको रेगुलेटर के बारे में। रेगुलेटर क्या होते हैं, कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जो बेटा ये अपने आप को रेगुलेट करती हैं, बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज। बेटा मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिमिटेड रेंज तक तो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, और बाद में ये कैसे हो जाते हैं, कन्फॉर्म हो जाते हैं। मतलब पहले तो रेगुलेटर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद में बेटा कैसे हो गए, कन्फॉर्म की तरह काम करने लगे। अब देखिए आपको बोला जा रहा है दो कंडीशन और बताई जा रही हैं यहाँ पर, देखिए दो कंडीशन और बताई जा रही हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर बताई जा रही है माइग्रेट, और दूसरा आपको बताया जा रहा है सस्पेंड। तो बच्चों माइग्रेट क्या होता है जरा समझ लीजिए, माइग्रेट क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइग्रेट। बेटा माइग्रेट क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है टेम्परेली, अगर वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मूव करता है, और मूव करके कहाँ जाता है, मोर हॉस्पिटेबल एरिया में, तो इसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। एक ह्यूमन एनालॉजी के अनुसार अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिल्ली से शिमला जा रहा है तो ये माइग्रेशन है। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है हर एक विंटर में जो हमारा बेटा भरतपुर राजस्थान है, वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चों, केवलादेव नेशनल पार्क। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क हैं वहाँ पर बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और ये कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से, या फिर कह सकते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से बेटा आती हैं, और यहाँ पर आके बेटा कुछ दिन रहती हैं। तो ये माइग्रेशन एक्टिविटी हो गई। अब इसके बाद में क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म बेटा स्ट्रेसफुल हैबिटेट से बचने के लिए माइग्रेशन कर लिया। अब उसके अलावा क्या कर सकता है ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा करेगा सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा मतलब कोई नौकरी पे रखा है क्या,
है ना, नौकरी पे रखा है, इसको सस्पेंड कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? नौकरी पे रखा है क्या आपने इसको? नौकरी पे नहीं रखा है, मतलब ये जो है बेटा सुसुप्ता अवस्था में चला जाएगा। किस अवस्था में चला जाएगा? सुसुप्ता अवस्था मतलब बिल्कुल रेस्ट में चला जाएगा, बोलेगा भाड़ में जाओ, है ना। जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, पास में रहिए। तो इसी को हम लोग सस्पेंड कहते हैं। वैसे ही हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं और कुछ लोअर प्लांट्स हैं। ये बेटा ये जो फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं और जो लोअर प्लांट हैं, ये अपनी हार्मफुल हैबिटेट को बेटा सर्वाइव करने के लिए या अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बेटा ये जर्मिनेशन से पहले यहाँ पर इनके ऊपर थिक वॉल्ड स्पोर आ जाते हैं और ये थिक वॉल्ड स्पोर बेटा तब जर्मिनेट करते हैं जब सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तब ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये बेटा होता है लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट में कौन आता है? एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, है ना, टेरिडोफाइट आता है, ये लोअर प्लांट ग्रुप के मेंबर हैं। तो लोअर प्लांट ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सस्पेंड करके स्पोर बनाते हैं, सस्पेंडेड डिशेज में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर के ऊपर थिक वॉल होती है। और फंजाई में भी ऐसा होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे बेटा हायर प्लांट की। अगर हायर प्लांट की बात की जाए तो हायर प्लांट कौन कौन से होते हैं बच्चों? बेटा मेरे पास में दो टाइप के हायर प्लांट हैं। कौन कौन से हायर प्लांट होते हैं सर? हायर प्लांट कितने होते हैं सर? दो। कौन कौन से हायर प्लांट हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट हमेशा उन्हें बोलते हैं जिनके पास में सीड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जिनके पास में सीड का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से हैं? एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होता है। कैसा सीड बनता है? नेकेड सीड बनता है। और एंजियोस्पर्म में भी बेटा सीड बनता है। कैसा सीड बनता है? कवर्ड सीड बनता है। कवर्ड सीड का मतलब बेटा फ्रूट के अंदर सीड बनता है, तो इसे कहते हैं कवर्ड सीड। तो हायर प्लांट में सीड के थ्रू या फिर बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये सस्पेंड स्टेज हो सकती है। क्लियर है बात? और इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है बेटा जो सीड होता है अंडर द सस्पेंड स्टेज किस में जाता है? डॉर्मेंसी में चला जाता है। सीड किस में जाता है? डॉर्मेंसी में। क्लियर है बात? स्ट्रेसफुल कंडीशन में बेटा सीड किस में जाता है? डॉर्मेंसी में जाता है। अब इसके बाद में देखिए एनिमल में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। ये तो प्लांट के बारे में था। एनिमल भी सस्पेंड करते हैं बेटा। एनिमल सस्पेंड करेगा इसके लिए आपको तीन प्रोसेसेस बताई जा रही हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है बेटा, बताया जा रहा है हाइबरनेशन। बेटा याद रखिएगा हाइबरनेशन सस्पेंड क्या है बेटा? एस्केप इन टाइम। याद रखिएगा एस्केप इन टाइम बेटा, एस्केप इन प्लेस माइग्रेशन होता है और एस्केप इन टाइम बेटा क्या होता है? सस्पेंड। तो याद रखिएगा हाइबरनेशन विंटर में होता है बच्चों। हाइबरनेशन कब होता है? विंटर में। और ये कहाँ देखने को मिलता है? बियर्स में, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि कुछ लोगों में एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन बेटा कब होता है? समर में। एस्टिवेशन कब होता है? समर में। और समर में होता है और ये कहाँ देखने को मिलता है? सम स्नेल और फिशेज में। क्लियर है? इसके अलावा हमारे बहुत सारे बेटा जी जू प्लैंकेटॉन्स होते हैं। जू प्लैंकेटॉन स्पीसीज जो होती हैं, जू प्लैंकेटॉन स्पीसीज में हमें डायापॉज देखने को मिलता है। डायापॉज क्या होता है? स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। बेटा स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट को हम लोग डायापॉज कहते हैं। अब इसके बाद में बच्चों देखिए आपको बताया जा रहा है एडेप्टेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोग फास्ट रिविजन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? अगर आपसे कोई पूछ दे भैया राह चलते अगर आपसे रिक्शा वाला पूछ देता है कि नहीं तुम हम तुमको लेके तभी जाएंगे जब तुम हमें एडेप्टेशन के बारे में बताओगे, है ना। या ऑटो वाला कह दे हम तुमको नहीं तब तक छोड़ेंगे जब तक तुम नहीं बताओगे कि कंगारू रैट में जो एडेप्टेशन होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है या मॉर्फोलॉजिकल होता है या फिर बिहेवियरल होता है, है ना। तो अगर आपको जाना है ऑटो से पेपर देने के लिए तो भैया आपको एडेप्टेशन आना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो एडेप्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडेप्टेशन के बारे में। एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन के बारे में देखिए आपको बताया जा रहा है कि ये एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट किसका है? ऑर्गेनिज्म का। बेटा एडेप्टेशन क्या है? ये एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक गुण है।
ये गुण है बेटा जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ये अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस लाता है। क्या लाता है बेटा? बिहेवियरल चेंजेस लाता है। कैसे कैसे चेंजेस लाता है? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस लाता है। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस लाता है, और इसके साथ साथ में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है अपनी हैबिटेट में, तो इसे हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एडेप्टेशन का बेटा एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, और इस एडेप्टेशन का एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कंगारू रैट। जो हमारे कंगारू रैट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में। और बेटा ये जो हैं ये बेटा बाहर से पानी नहीं पीते, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर इनके लिए बेटा अब्सेंस है। बेटा याद रखिएगा, बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर ये यूज़ नहीं करते, बात समझ आ रही है? मतलब बाहर का पानी ये नहीं पीते, है ना, बाहर का पानी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब घर में जो पानी आता है टंकी में वही वाला पीते हैं, इनका घर तो है नहीं भाई तुम्हारी तरह, है ना। तो बाहर का पानी का मतलब हो गया जो ज़मीन में पानी होता है या जो पानी बरसात से गिर रहा है वो सारा पानी ये पियेंगे नहीं, बात समझ में आ रही है। ये वो पानी यूज़ करते हैं जो ये खुद से बेटा मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनाते हैं, मींस मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करते हैं। ये मेटाबॉलिक वाटर इन्हें कैसे मिलता है? मेटाबॉलिक वाटर मिलता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, और जब भी फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट यूज़ होता है, और इसी वाटर को, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से हो रहा है, फैट का ऑक्सीडेशन बेटा क्या है? एक मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म से मिलने वाला जो पानी होता है इसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रही है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा कंगारू रैट कहाँ का रहने वाला है? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट का, है ना, बात समझ आ रही? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट का कंगारू रैट कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट का। चूहे लोग कहाँ रहते हैं? अमेरिका में, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट। याद रखिएगा बेटा दुनिया में देखो अभी देखो भागे ना चूहे, है ना, कहीं से भागे थे, है ना, ठीक है ना, कहीं से भाग गए ना, कहाँ से भागे थे भूल गए, कहाँ से भागे थे? तो याद रखिएगा कहाँ रहते हैं चूहे? कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। कौन से चूहे हैं भैया? नाम क्या है? कंगारू रैट। नाम क्या है? कंगारू रैट, है ना। तो कंगारू रैट जो होता है ये पानी नहीं पीता, ये अपना इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करते हैं और पानी अपना यूज़ कर लेते हैं। ये जो पानी यूज़ करते हैं उसका क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, है ना, फैट को ऑक्सीडेशन करते हैं, उसी पानी को यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक वाटर को। अब इसके बाद में बेटा ये दूसरा एग्जांपल दिया जा रहा है। अच्छा ये आपसे पूछा जाए कंगारू रैट जो अडेप्टेशन कर रहा है ये मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, बिहेवियरल है? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, बिहेवियरल है? बताइए बताइए बताइए, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है या बिहेवियरल अडेप्टेशन है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपने गलत आंसर दिया। इसके बाद में देखिए आपको बेटा बताया जा रहा है अब मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में बताया जा रहा है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बहुत कम है। जो कंगारू रैट में अडेप्टेशन है वो कैसा है? फिजियोलॉजिकल। बच्चों कैसा है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ बेटा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन कहाँ देखने को मिलता है? डिजर्ट प्लांट में देखने को मिलता है। बहुत सारे जो डिजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन बेटा डिजर्ट प्लांट में क्या देखने को मिल रहा है? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन डिजर्ट प्लांट में क्या देखने को मिलता है? आपने देखा होगा इनकी जो पत्ती होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है? थिक क्यूटिकल। आपने जब जिम्नोस्पर्म पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कोनीफर्स की जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमेटा होते हैं। जो लीव सरफेस होती है बेटा उस पर स्टोमेटा जो होते हैं वो डीप पिटेड होते हैं। डीप पिटेड का मतलब सनकेन स्टोमेटा होते हैं जिससे वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन बेटा कम हो पाए, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आपने पढ़ा था कुछ बेटा प्लांट होते हैं जिनके पास में स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे पाया जाता है और इस पाथवे को हम लोग कहते हैं कैम। बेटा कैम का मतलब क्या होता है आप लोगों ने कई बार याद किया है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना। तो इनके पास में स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है
कहाँ पे? डिजर्ट प्लांट के पास में। डिजर्ट प्लांट के पास में स्पेशल फोटोसिंथेटिक मेटाबॉलिक पाथवे का क्या नाम है? कैम्प प्लांट। बेटा कैम्प प्लांट जो होते हैं, कैम्प प्लांट के स्टोमेटा रात में बेटा ओपन होते हैं, है ना, और दिन में बंद हो जाते हैं। जनरली क्या होता है, स्टोमेटा बेटा दिन में खुले रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कैम्प प्लांट की बात करेंगे तो कैम्प प्लांट में रात में स्टोमेटा बेटा क्या होंगे? ओपन, और दिन के टाइम पर क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। दिस इज क्लियर ना बच्चों? जल्दी से बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एक डिजर्ट प्लांट है जिसका नाम है अपुंसिया। आप लोगों ने नाम पढ़ा था अपुंसिया। अपुंसिया के पास में पत्ती नहीं होती, यहाँ पे कोई भी पत्ती नहीं होती, पत्ती यहाँ पर नहीं होती है। और पत्ती नहीं होती है तो इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्पाइंस पाए जाते हैं। पत्ती नहीं होती है तो यहाँ पे होते क्या है बच्चों? स्पाइन होते हैं। और जो स्पाइन होता है बेटा, ये स्पाइन जो होता है ये एक्चुअली में क्या करता है? वाटर लॉस को कम करता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके अलावा ये फ्लैट एंडेड स्टेम होता है। यहाँ पे स्टेम कैसा होता है? फ्लैट एंडेड। और ये फ्लैट एंडेड स्टेम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फ्लैट एंडेड स्टेम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। बोलो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद में जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहां पर आ जाइए। अब आपको बताया जा रहा है एलेंस रूल। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एलेंस रूल नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलेंस रूल क्या है बेटा? एलेंस रूल आपको कहता है ऐसे मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, ऐसे मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले मैमल्स के सॉल्टर ईयर और लिम्स होते हैं जिनसे कि उनमें जो हीट लॉस है वो कम हो सके। दिस इज व्हाट एलेंस रूल। और इसका एग्जांपल दिया जा रहा है, कुछ एक्वाटिक मैमल्स लिए गए हैं, पोलर सी एक्वाटिक मैमल्स। बेटा पोलर सी एक्वाटिक मैमल्स, जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है सील्स। ये जो सील्स होती हैं इनके ऊपर थिक लेयर ऑफ फैट पाई जाती है, इन्हें ब्लबर्स कहते हैं। ये ब्लबर्स जो होते हैं स्किन के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? इन सील के स्किन के नीचे क्या पाए जाते हैं? ब्लबर्स पाए जाते हैं। और ये ब्लबर्स इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह। और ये इंसुलेटर के तरह तो काम करते ही हैं, साथ साथ में ये बॉडी टेम्परेचर है उसको कम भी कर देते हैं। बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बच्चों? बॉडी हीट को जो है लॉस होने से बचाते हैं, ठीक ना। जो ब्लबर है बेटा क्या करता है? ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और ये बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देता। अब इसके बाद में आपको बताया जा रहा है, देखिए एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो आपको हम ह्यूमंस में देखने को मिलता है बेटा, ये जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है ये कहाँ देखने को मिलता है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है बच्चों, ये कैसा अडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल। ये हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है जब भी हम लोग बेटा स्ट्रेसफुल कंडीशन सिचुएशन में होते हैं, है ना। कब हमें देखने को मिलता है? जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है जब हम हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड का मतलब हम 3500 मीटर ऊपर रोहतांग पास चले जाते हैं, रोहतांग पास के पास में चले जाते हैं, मनाली में जो है बेटा वहाँ चले जाते हैं, तो हमें क्या हो जाती है? एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एल्टीट्यूड सिकनेस बेटा एक टाइप का अडेप्टेशन है। और ये कैसा अडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल। बच्चों कैसा अडेप्टेशन होता है? फिजियोलॉजिकल। जो आपका ये अडेप्टेशन है ये कैसा है? फिजियोलॉजिकल। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम नौजिया है, दूसरा फैटीग है, और बेटा तीसरा क्या है? हार्ट पैल्पिटेशन। ये आपके तीन बताए जा रहे हैं सिम्टम्स। कितने सिम्टम्स बताए जा रहे हैं? तीन। बताइए कौन कौन से एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं? पहला क्या है? नौजिया। दूसरा क्या है? फैटीग। और तीसरा क्या है? हार्ट पैल्पिटेशन। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है कि जब बेटा आप देखिए बोला जा रहा है कि आप जब थोड़े दिन वहाँ पे रहते हैं तो आप एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, वहाँ पे रहने के लिए एक्लिमेटाइज हो जाते हैं और एल्टीट्यूड सिकनेस बेटा क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और ये एक्लिमेटाइज कैसे होते हैं बेटा? देखिए आपको बताया जा रहा है कि एक्लिमेटाइज कैसे होते हैं। हमारा जो आरबीसी का काउंट होता है वो बढ़ जाता है।
अब देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है कि बेटा यहां पर आप देखिए बेटा बोला जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से देखिएगा, जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ एनिमल्स की बात की जा रही है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल बेटा ये इनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इनकी मेटाबॉलिक और सारी की सारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये नैरो टेम्परेचर रेंज पे होते हैं। जैसे ह्यूमन के लिए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब हैं जैसे जिन्हें हम लोग आर्किबैक्टीरिया कहते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी रहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इनके पास में ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं, डीप सी इन द वाटर भी रहते हैं, है ना, हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं। तो ये कैसे रह लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि इनके पास में थर्मोस्टेबल एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे आपने एक नाम पढ़ा था बैक्टीरिया का, टैग पॉलीमरेज, थर्मोसाइकेटिकस बैक्टीरिया पढ़ा था, और उससे बेटा जो हमें एक एंजाइम मिल रहा था उसका नाम था टैग पॉलीमरेज, या इसी को हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज बोला था, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है मैनी मैराइन फिश, मैराइन फिश जो एंटार्क्टिक वाटर में रहती हैं, कहाँ रहती हैं, एंटार्क्टिक वाटर में। तो ये जो मैराइन फिश जो एंटार्क्टिक वाटर में रहती हैं, ये हमेशा बेटा ऑलवेज बिलो जीरो टेम्परेचर पे रहती हैं, बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहती हैं। तो ये यहाँ पे कैसे रह पाती हैं, क्योंकि इनके पास में एंटी फ्रीज सब्सटेंस पाए जाते हैं। वैसे ही बेटा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ मछलियाँ होती हैं, कुछ बेटा ओशियन में रहने वाली कुछ मछलियाँ होती हैं जो ग्रेटर देन 100 टाइम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर देन 100 टाइम प्रेशर को झेलती हैं। तो ये मछलियाँ इतने प्रेशर पे कैसे रहती हैं, इनके पास में भी स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में आपको बताया जा रहा है बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो ये तो बेटा आपके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन थे, अब आपको बताया जा रहा है बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब बिहेवियरल अडेप्टेशन में आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है बच्चों, डिजर्ट। जो डिजर्ट है बेटा, डिजर्ट जो होती है ये बिहेवियरल अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, बिहेवियरल अडेप्टेशन, याद रखिएगा। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है, बिहेवियरल बेटा, किसका है, बिहेवियरल अडेप्टेशन का, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, पॉपुलेशन क्या होती है। देखिए बोला जा रहा है कि अगर हम लोग नेचर में देखें तो नेचर में कोई भी एक सिंगल किसी भी स्पीसीज का सिंगल इंडिविजुअल किसी आइसोलेटेड एरिया में नहीं होता, है ना। तो बोला जा रहा है व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है बेटा, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, ये शेयर या कम्पीट करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और ये पोटेंशली इंटरब्रीड करते हैं, और ये बेटा आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। अब देखिए बोला जा रहा है कि इंटरब्रीडिंग का मतलब बेटा जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन कभी कभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म भी पॉपुलेशन बना सकते हैं बेटा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करने वाले ऑर्गेनिज्म भी, आपको बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म भी पॉपुलेशन बना सकते हैं। जैसे किसी बेटा पैट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेटा उनका जो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं उन्हें भी हम लोग पॉपुलेशन कह सकते हैं। इकोलॉजिकली देखा जाए तो इसे भी हम लोग पॉपुलेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बोला जा रहा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी बेटा, पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी बेटा ये इकोलॉजी को लिंक करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। बेटा ये याद रखिएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये पूछा जाएगा पॉपुलेशन इकोलॉजी बेटा किसको किससे जोड़ती है, बेटा ये पॉपुलेशन इकोलॉजी वो इकोलॉजी है जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को आपस में जोड़ती है। अब देखिए आपको यहाँ पर
पॉपुलेशन के कुछ गुण बताए जा रहे हैं। बेटा पॉपुलेशन का पहला एट्रीब्यूट क्या होता है? पॉपुलेशन का पहला एट्रीब्यूट आपको बताया जा रहा है बर्थ रेट होता है, और दूसरा होता है डेथ रेट। बेटा बर्थ रेट या डेथ रेट क्या होता है? पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? ध्यान से बताइए, बर्थ रेट या डेथ रेट। अब इसके बाद में बच्चों देखिए, दूसरा आपको बताया जा रहा है, दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? दूसरा एट्रीब्यूट होता है सेक्स रेशियो, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन का बेटा क्या होता है? सेक्स रेशियो, इंडिविजुअल मेल या फीमेल होता है ना, लेकिन पॉपुलेशन में क्या देखा जाता है? सेक्स रेशियो, ठीक है। अब बेटा देखिए तीसरा कम आपको तीसरा क्या बताया जा रहा है? तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बताइए पॉपुलेशन का तीसरा एट्रीब्यूट क्या हो गया? एज डिस्ट्रीब्यूशन। और एज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे बेटा हम लोग एज पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये एज पिरामिड आपको कितने टाइप के बताए जा रहे हैं? तीन टाइप के। पहला होता है बेटा एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग, दूसरा होता है स्टेबल, और तीसरा होता है डिक्लाइनिंग, ठीक है। आप देख लीजिए ये तीनों ग्राफ को देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए इन तीनों ग्राफ को, बहुत ध्यान से देखिएगा इन तीनों ग्राफ को। देखिए सबसे पहला ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है? एक्सपेंडिंग। पहला ग्राफ कौन सा दिख रहा है? एक्सपेंडिंग। बेटा दूसरा कौन सा दिख रहा है? स्टेबल। और तीसरा कौन सा दिख रहा है? डिक्लाइनिंग। देख लीजिए इनको, घूर के देख लीजिए, दो मिनट बेटा घूर के देख लीजिए। पहला ग्राफ का नाम क्या है? एक्सपेंडिंग। दूसरा क्या है? स्टेबल। तीसरा क्या है? डिक्लाइनिंग। बेटा एक्सपेंडिंग कैसा आपको दिख रहा है? ट्राइएंगुलर। बताइए स्टेबल कैसा दिख रहा है? बेल शेप। और बताइए डिक्लाइनिंग कैसा होता है? अर्न शेप। क्लियर है? या कई लोग बेटा डंबल शेप बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्न शेप या डंबल शेप, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है कि बेटा किसी भी पॉपुलेशन का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है? पॉपुलेशन साइज। बेटा इसी पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहा जाता है। इसी पॉपुलेशन साइज को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग डिजाइन करते हैं एन से। याद रखिएगा बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी को डिजाइन किया जाता है एन से, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा अपने आप। और यहाँ पर देखिए आपको एक बात इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है कि जो टाइगर सेंसस है, टाइगर सेंसस बेटा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में कैसे की जाती हैं? नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बेटा टाइगर सेंसस कैसे की जाती हैं? बाय द पग मार्क। बेटा ये याद रखिएगा कैसे की जाती है? पग मार्क से की जाती है। और किससे की जाती है? फीकल पैलेट से। अब इसके बाद में देखिए आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है आपको बताया जा रहा है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के साइज की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? साइज की। किसी भी पॉपुलेशन के अगर हम साइज की बात करते हैं तो पॉपुलेशन साइज कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो पॉपुलेशन साइज है बच्चों ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। देखिए नॉट लिखा है, नहीं है स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। आपसे पूछा जाएगा क्या पॉपुलेशन साइज बेटा स्टैटिक पैरामीटर है या नहीं है? आप क्या बताएंगे? नहीं है। जो पॉपुलेशन साइज है बेटा ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। और बोला जा रहा है ये पॉपुलेशन साइज स्टैटिक पैरामीटर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चेंज होता है। क्या होता है बच्चा? चेंज होता है। किसके साथ में चेंज होता है? टाइम के साथ चेंज होता है। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। जैसे पहला फैक्टर आपको बताया जा रहा है फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी की बेसिस पे बेटा ये टाइम के साथ में चेंज होगा। दूसरा प्रेडेशन प्रेशर के बेसिस पे चेंज हो सकता है। एडवर्स वेदर में भी पॉपुलेशन साइज बेटा चेंज हो सकता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है ये जो पॉपुलेशन साइज है इसी को बेटा हमने क्या बोला था? पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बच्चों, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा क्या हमें बताता है? पॉपुलेशन डेंसिटी हमें ये आइडिया देता है, क्या आइडिया देता है? कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो फ्लोरिसिंग है या डिक्लाइनिंग है। मतलब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है।
पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है, ये आइडिया कौन देता है? ये आइडिया हमें देता है, बोलो बोलो कौन? पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें ये आइडिया पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। अब देखिए, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, पॉपुलेशन अगर घट रही है, तो उसके लिए 4 बेसिक प्रोसेसेस बेटा, इनमें चेंजेस होने की वजह से बेटा ये फ्लैक्चुएशन होते हैं, है ना। आपसे बोला जा रहा है पॉपुलेशन में ये फ्लैक्चुएशंस बेटा कितनी वजह से होते हैं? 4 वजह से होते हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है 2 मेन वजह जिनकी वजह से पॉपुलेशन बेटा बढ़ती है। 2 मेन वजह जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है वो कौन कौन सी हैं? नेटिलिटी और इमिग्रेशन, है ना, या कह सकते हैं नेटिलिटी और आई माइग्रेशन, ठीक है ना। और बेटा दूसरा जिनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है वो कौन कौन से हैं बेटा? कौन कौन से हैं? 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला होता है मॉर्टिलिटी और दूसरा होता है इमिग्रेशन। पहला होता है मॉर्टिलिटी और दूसरा होता है इमिग्रेशन। अब देखिए इसके बाद में बच्चों, देखो ध्यान से देखिएगा, ये चारों डिफिनीशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, सबसे पहले नेटिलिटी क्या है? नेटिलिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ बेटा किसी भी गिवन पीरियड में। और इसके कारण क्या होता है? इनिशियल डेंसिटी बेटा, पॉपुलेशन की जो इनिशियल डेंसिटी होती है वो बढ़ जाएगी, क्लियर है। मॉर्टिलिटी क्या होती है बेटा? डेथ इन ए पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्टिलिटी। इमिग्रेशन क्या है बेटा? कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज किसी हैबिटेट में आते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आई माइग्रेशन। और बेटा कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस हैबिटेट को छोड़कर जाते हैं, इसे कहते हैं ई माइग्रेशन। तो एक हो गया आई माइग्रेशन, आई माइग्रेशन का मतलब कितने लोग आते हैं, आई से याद रखिएगा इन और ई से याद रखिएगा एग्जिट, ठीक है ना। तो कितने लोग जाते हैं बेटा, ये क्या है? एग्जिट, इमिग्रेशन, है ना। और कितने लोग आते हैं? इन, इमिग्रेशन, ठीक है ना। अब देन इसके बाद में बच्चों देखो, आपको एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये वाला ग्राफ देख लीजिए, ये वाला ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले ग्राफ में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि ये आपकी दिखाया जा रहा है कि यहां पर बेटा देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी एन दिखाई जा रही है। इस पॉपुलेशन डेंसिटी एन में अगर बेटा बर्थ हो रही है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगी? बढ़ जाएगी, है ना। अगर लोग बेटा इस पॉपुलेशन में आ रहे हैं, बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, है ना, तो इमिग्रेशन हो रहा है, इसके कारण भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखिए, अगर इस पॉपुलेशन से कुछ लोगों की मौत हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉर्टिलिटी हो रही है, डी हो रही है, डी का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। देन बेटा यहाँ पर देखिए इमिग्रेशन हो रहा है, ई माइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, कौन कौन से हैं? बी और आई। और बेटा जिनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी एन घट जाता है वो कौन है? डी और ई, क्लियर है बात। तो यहाँ से आपको बेटा ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आगे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब इतनी बातें बेटा जानने के बाद में यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन आप देख के जाइएगा बस एग्जाम में बेटा, बस इक्वेशन देख के जाइएगा। NT+1=NT+B+I-C+E, ये आपकी इक्वेशन है बेटा। ये इक्वेशन आप याद करके जाइएगा। ये इक्वेशन कब है? जब बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी एन है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? एन, और टाइम टी है, तो बेटा डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन क्या होगा? डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन की आपकी इक्वेशन क्या है? NT+1=NT+B+I-D+E। अब इसके बाद में जरा ध्यान से देखिए, अब आपको क्या बताया जा रहा है ग्रोथ मॉडल के बारे में। बच्चों ध्यान से देखना, ग्रोथ मॉडल क्या देखना है हम लोगों को? ग्रोथ मॉडल, 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल बताए जा रहे हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल, और बच्चों दूसरा कौन सा है? लॉजिस्टिक। याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तभी एप्लीकेबल होता है
जब रिसोर्सेस मीन्स फूड और स्पेस बेटा क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड। तो बेटा बताइए कैसा ग्रोथ होता है? एक्सपोनेंशियल। और इसके अलावा यहां पर इसकी इक्वेशन भी देख लीजिए, आपको देखिए इक्वेशन बताई जा रही है, बोला जा रहा है कि यहां पे इक्वेशन क्या आ रही है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। इक्वेशन देख लीजिए बच्चों, इक्वेशन क्या आ रही है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। और यहां पे r का मतलब क्या है, यहां पे r का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। r का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब देखिए इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि ये जो r की वैल्यू है ये बेटा चेंज हो सकती है। देखिए r की वैल्यू बेटा आपको बताई जा रही है, r की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो बेटा नॉर्वे रैट के लिए r की वैल्यू कितनी है, 0.015, और बताइए फ्लोर बीटर के लिए कितनी दी गई है, 0.012। और ह्यूमन पॉपुलेशन की बेटा, इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की 1981 की आर वैल्यू क्या दी गई है, 0.0205। बेटा ये आप आर वैल्यूज याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए, अब आपको बताया जा रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व होता है, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व में, बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व में यहाँ पर आपको जे शेप कर्व देखने को मिलेगा। कैसा कर्व देखने को मिलेगा, जे शेप कर्व। और यहाँ पे अगर बेटा सिंपल कैलकुलस से यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन निकाली जाए, है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली जाए, इंटीग्रल फॉर्म निकाली जाए किस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की, तो बेटा क्या आ जाएगी, इंटीग्रल फॉर्म क्या आ जाएगी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। यहाँ पे एन टी बराबर क्या है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम आफ्टर टाइम टी, और बेटा यहाँ पे एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। आर बराबर क्या है बच्चों, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बेटा यहाँ पर ई बराबर क्या है, नेचुरल बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और इसकी वैल्यू भी दी गई है, कितनी दी गई है, 2.71828। एंड देन इसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डार्विन ने बताया कि अगर कोई लार्ज पॉपुलेशन है और उसके लिए भी रिसोर्सेस अगर अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेस बेटा क्या हैं, अनलिमिटेड, और लार्ज पॉपुलेशन है बेटा, ऐसे लोग जो स्लो ग्रो करते हैं, जैसे हाथी है, तो हाथी कैसे ग्रो करता है, स्लो ग्रोइंग एनिमल्स की, अगर स्लो ग्रोइंग एनिमल्स हैं और रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं तब भी बेटा इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है। और इसके बाद में बच्चों आप देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बेटा देखिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बेटा यहाँ पे आ जाइए, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ बेटा। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, ध्यान से देखिएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, जब बेटा क्या होता है, जब हमारे पास में रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड नहीं है, अगर रिसोर्सेज बेटा अनलिमिटेड नहीं है मीन्स कैसे हैं बच्चों, लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज मेरे पास में कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हैं बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बच्चों क्या होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्लियर है बात, लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें कब देखने को मिलती है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और बताइए एक्सपोनेंशियल कब देखने को मिलती है, जब आपके रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर है बात, इतनी बात याद रखिएगा। और इसके बाद में बेटा एक बात और देखिए, यहाँ पर आपको कर्व कैसा मिलेगा बेटा, यहाँ पर देखिए कर्व कैसा मिलेगा, जब यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो हमें कर्व कैसा मिलेगा, सिग्मोइड कर्व मिलेगा। और बेटा एक हमें इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बेटा, इस इक्वेशन को कहते हैं वर्लस पल लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। और ये इक्वेशन आपको क्या मिल रही है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। क्लियर है माँ, बोलो भाई। और k बराबर क्या होता है बच्चों, k बराबर होता है यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। r बराबर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल लॉगर नेचुरल इंक्रीज। और बेटा n बराबर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। क्लियर है बात, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे आ जाइए, अब
देखिए इसके बाद में आपको बताया जा रहा है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, और लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में बेटा कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रा देख लीजिए। आपको क्या बताया जा रहा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक बार ही ब्रीड करते हैं, अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार ब्रीड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, पैसिफिक सैल्मन फिश और बेम्बू, बेम्बू प्लांट है, ठीक है ना। और बेटा कुछ अदर स्पीसीज होती हैं जो मैनी टाइम अपनी लाइफ टाइम में मैनी टाइम ब्रीड करते हैं, वो कौन है, मोस्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल्स। अब आपको बोला जा रहा है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन होते हैं, ओस्टर्स होते हैं, प्लेजिक ओस्टर्स होते, प्लेजिक फिशेस होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मॉल नंबर में बेटा ऑफस्प्रिंग बनाते हैं लेकिन लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वो कौन होते हैं, बर्ड्स और मैमल। क्लियर है बात। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के बारे में। पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस क्या हैं ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत यहाँ से इम्पॉर्टेंट बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, यही टॉपिक है बच्चों पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। देखिए पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि बेटा जो कोई भी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है ये तीन टाइप के हो सकते हैं। पहली बात आपको बताया जा रहा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के। देखिए यहाँ पर अगर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो बेटा इसे बोलते हैं बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, अगर माइनस का साइन है तो इसे कहते हैं डेट्रीमेंटल, और अगर जीरो का साइन है तो न्यूट्रल है। अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टोटल कितने बताए गए हैं, सिक्स बच्चों, कितने बताए गए हैं, सिक्स पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस बताए जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा ये छः के छः पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस बेटा, ये लिस्ट दी गई है आपकी और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस लिस्ट में आपको दिखाया जा रहा है एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, और नेम ऑफ इंट्रैक्शन क्या है। तो नेम ऑफ इंट्रैक्शन बेटा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कितने बताए गए हैं, टोटल सिक्स। कौन कौन से हैं, पहला क्या है म्यूचुअलिज्म, दूसरा क्या है कंपटीशन, तीसरा क्या है प्रेडेशन, फोर्थ क्या है पैरासिटिज्म बेटा, फिफ्थ क्या है कॉमन सेलिज्म, एंड सिक्स क्या है एमएन सेलिज्म। देखिए अगर दो स्पीसीज आपस में म्यूचुअली इंट्रैक्ट करें, दोनों को प्लस प्लस दिखाया जा रहा है, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। दो स्पीसीज आपस में बेटा साथ साथ में काम करें, इंट्रैक्ट करें और दोनों को नुकसान हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, कंपटीशन। और अगर दो स्पीसीज में से एक को फायदा और बी स्पीसीज को देखिए नुकसान है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रेडेशन। वैसे ही अगर ए स्पीसीज को फिर से देखिए फायदा है, दूसरे को नुकसान है तो इसे पैरासिटिज्म बोलेंगे, मतलब पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, ए स्पीसीज को फायदा और बी स्पीसीज को नुकसान। अब इसके बाद में कॉमन सेलिज्म में देखिए ए स्पीसीज को फायदा होगा लेकिन बी स्पीसीज को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, तो इसे कॉमन सेलिज्म बोलेंगे। और जब ए स्पीसीज को नुकसान होगा, बी स्पीसीज को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, तो इसे बोलेंगे एमएन सेलिज्म। तो देखिए आपको बताया जा रहा है बेनी म्यूचुअलिज्म क्या है, जब दोनों स्पीसीज बेटा बेनिफिट करती हैं। कॉमन सेलिज्म क्या है बेटा, कंपटीशन क्या है जब दोनों स्पीसीज हारती हैं, मतलब दोनों स्पीसीज का लॉस होता है। अब बेटा तीसरा क्या है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। बेटा प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में जो एक स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज को फायदा होता है, फायदा होने वाली स्पीसीज या तो पैरासाइट होती है या तो प्रीडेटर होती है, और दूसरी स्पीसीज जो होती है जो इसके साथ में इंट्रैक्ट कर रही होती है उसको क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। दूसरी स्पीसीज जो होती है उसको क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। देखना यहाँ पर इसको क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो देखिए जो दूसरी स्पीसीज है, जो अदर स्पीसीज होती है बेटा, अदर स्पीसीज को मतलब होस्ट को और प्रे को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेलिज्म क्या है, कॉमन सेलिज्म में बच्चों क्या होता है, एक स्पीसी जो एक स्पीसीज है उसे फायदा होता है और दूसरे को
ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है, इसे कहते हैं कॉमनसेलिज्म। और बेटा तीसरा क्या है, आपका नेक्स्ट लास्ट क्या है, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज का नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज को ना फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। बात समझ में आ रही है, दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड होती है। अब बोला जा रहा है एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो प्रिडेशन है, पैरासिटिज्म है और कॉमन सेलिज्म है, ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। मतलब बेटा ये यहाँ पर जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज रहती हैं आपस में साथ साथ रहती हैं, पास पास में रहती हैं, आपस में साथ साथ में रहती हैं, पास पास में रहती हैं, आपस में साथ साथ में रहती हैं और पास पास में रहती हैं। सर ठीक है, अब देखो इसके बाद में देखिए प्रिडेशन की बात की जा रही है, प्रिडेशन के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज प्रिडेशन, प्रिडेशन में आपको बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रिडेशन का मतलब क्या बोला था कि एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। प्रिडेशन का मतलब शिकार और शिकारी की अवस्था। तो बेटा जो शिकार करेगा उसका फायदा होगा, है ना, मतलब जो शिकारी होगा उसका फायदा होगा, जिसका शिकार किया जाएगा उसका नुकसान होगा, है ना, बात समझ आ रही है। तो प्रिडेशन बेटा क्या है, प्रिडेशन कैसा है, प्लस माइनस। प्रिडेशन कैसा है बच्चों, प्लस माइनस, याद रखिएगा, एक स्पीसीज का फायदा होगा और दूसरी स्पीसीज का नुकसान होगा, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिडेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो यहां पे प्रिडेशन बताया जा रहा है। प्रिडेशन में आपको यहां पे सबसे पहला जो एग्जांपल दिया जा रहा है बेटा, सबसे पहले जो एग्जांपल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है स्पारो ईटिंग द सीड। स्पारो ईटिंग द सीड ये भी एक टाइप का प्रिडेशन है। इसके अलावा बेटा कोई भी हर्बीवोर प्लांट को खाता है, कोई भी हर्बीवोर प्लांट को खाता है, ये भी क्या है, प्रिडेशन है, क्लियर है। और बेटा जो डियर है वो खाया जाता है लॉइन के द्वारा, डियर को लॉइन के द्वारा खाया जाता है, ये भी क्या है, प्रिडेशन है, ठीक है। तो डियर लॉयन या टाइगर के द्वारा खाया जा रहा है, ये भी क्या है, प्रिडेशन है। कोई प्लांट बेटा, किसी प्लांट को कोई हर्बीवोर खा रहा है, ये भी क्या है, प्रिडेशन है, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर प्रिडेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आप रट के जाइएगा एग्जाम में, बस मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से रट के जाने एग्जाम में। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है बेटा प्रिकली पियर कैक्टस का, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1920s में, है ना, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटा इन्वेसिव हो गया था, और इसके लिए यहाँ पर इसे कंट्रोल करने के लिए, अंडर कंट्रोल करने के लिए बेटा किसको बुलाया गया था, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर या मौत को बुलाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है, दूसरा एग्जाम्पल बताया जा रहा है आपको प्रीडेटर प्रीडेशन का। देखिए यहाँ पे जो प्रिडेशन है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की तरह काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, एग्रीकल्चरल पेस्ट में। अब इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा अब बात की जा रही है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पायस्टर, बेटा ये भी एग्जाम्पल किसका है, प्रिडेशन का है। इसके अलावा देखिए आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पर कि जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर हमेशा याद रखिएगा, प्रीडेटर बेटा जो होता है ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। प्रीडेटर की खास बातें बताई जा रही हैं बेटा, शिकारी की खास बातें बताई जा रही हैं, जो शिकारी है उसकी खास बात क्या होती है, ये टू इफ़िशियंट है। और इसके अलावा जो शिकारी होता है बेटा, यहाँ पर शिकारी जो होता है ये कभी भी प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब प्रे भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा और उसके बाद में प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, ठीक है। और इसीलिए जो हमारा प्रीडेटर होता है बच्चों, प्रीडेटर कैसा है, प्रूडेंट है, कैसा है, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब विवेकशील है। बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पूरा खाना खा जाएंगे,
है ना, धीरे धीरे खाएंगे, बात समझ आ रही है, प्रूडेंट होता है। प्रीडेटर कैसा होता है? प्रूडेंट। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कुछ स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पीसीज किसकी बताई जा रही हैं, इंसेक्ट और फ्रॉग की। ये जो इंसेक्ट और फ्रॉग होते हैं, इन इंसेक्ट और फ्रॉग में बेटा मिमिक्री होती है, मिमिक्री की प्रॉपर्टी होती है, कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी होती है, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, किससे किससे बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि कैसे बेटा प्रे ने कौन कौन से अडेप्टेशन किए हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। तो प्रे ने बेटा बचने के लिए पहला काम क्या किया, ये प्रे से प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे ने बेटा क्या किया, अपना कलर चेंज कर लिया। अब दूसरा आपको बताया जा रहा है कुछ ऐसे लोग थे जो पॉइजनस हो गए, जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है मोनार्च बटरफ्लाई का। बच्चों देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल किसका दिया जा रहा है, मोनार्च बटरफ्लाई। आप ये याद रखिएगा एग्जांपल ये किसका है, प्रीडेशन का, ठीक है। पूछा जाता है कि बताओ मोनार्च बटरफ्लाई किसका एग्जांपल है, प्रीडेशन का, बताओ ये मोनार्च बटरफ्लाई बेटा ये प्रे है, प्रीडेटर है, ये प्रे है, ठीक है ना। और बेटा इसका जो प्रीडेटर होता है ये इसे कभी नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, प्रीडेटर इसका कौन होता है बताओ, मोनार्च बटरफ्लाई जो होता है इसका प्रीडेटर कौन है, बर्ड। बर्ड इसे बेटा क्यों नहीं खाती है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही गंदी स्वाद की होती है, इसलिए बेटा ये हाईली डिस्टेस्टफुल है, बात समझ आ रही, इसलिए कभी भी जो प्रीडेटर है ये इसे नहीं खाएगा। अब देखिए इसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि जो हमारी बटरफ्लाई है बेटा, जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को ये क्यों नहीं खाता है, क्योंकि उसके पास में बेटा एक केमिकल पाया जाता है, और ये केमिकल जब वो लार्वा स्टेज में होता है, कैटरपिलर स्टेज में होता है, तब ये कैटरपिलर बेटा इस पॉइजनस वीड को खा लेता है, इसलिए मोनार्च बटरफ्लाई को कभी भी बर्ड प्रीडेटर नहीं खाती है। अब उसके बाद में आपको बेटा प्लांट को बताया जा रहा है कि प्लांट प्रीडेटर से कैसे बचते हैं, क्योंकि प्लांट के पास में चलने के लिए पैर तो है नहीं कि प्रीडेटर। अब जैसे मान लो अगर हिरन को अगर टाइगर दौड़ाए तो टाइगर हिरन क्या करेगा, भाग लेगा, है ना, टाइगर भी भागेगा और हिरन भी भाग लेगा, बात समझ आ रही है। लेकिन अब अगर प्रीडेटर अगर कौन है, एनिमल है, और बेटा प्रे जो है वो प्लांट है, तो बताओ प्लांट तो भाग नहीं पाएगा, प्लांट के पास में तो पैर नहीं है, तो प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन लाएगा, है ना, क्या लाएगा, कुछ चेंजेस लाएगा, ध्यान से देखना। यहां पर क्या बताया जा रहा है, जो हमारे प्लांट हैं, प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोर। तो प्लांट के लिए बेटा प्रीडेटर कौन है, हर्बीवोर है, देख रहे हो आप, यहां पर प्लांट के लिए प्रीडेटर कौन है, हर्बीवोर। और आपको बताया जा रहा है नियरली 25%, ध्यान से देखिए यहां पर बोला जा रहा है नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट जो हमें पता है वो कैसे होते हैं, फाइटोफैगस। मतलब फाइटोफैगस का मतलब क्या होता है, ये किसको खाते हैं, ये खाते हैं किसको, प्लांट सैप को, बात समझ आ रही है। नियरली 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट सैप को खाते हैं, मींस फाइटोफैगस होते हैं। अब देखिए इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि ये प्लांट प्रीडेटर से बचने के लिए, हर्बीवोर से बचने के लिए अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस भी एक्वायर करता है। देखिए मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस कौन कौन से एक्वायर कर रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जैसे एक प्लांट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, और दूसरा आपने नाम सुना होगा अपुंसिया या कैक्टस। ये जो अपुंसिया या कैक्टस होता है इसमें बेटा मॉर्फोलॉजिकल मीन से बेटा क्या होता है, ये प्लांट डिफेंस करता है, मॉर्फोलॉजिकल मीन से डिफेंस करता है ना। हर्बीवोर से कैसे बचता है, मॉर्फोलॉजिकल मीन से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो सिक्रीट करते हैं या स्टोर करते हैं कुछ केमिकल्स को, जैसे जैसे ही कोई हर्बीवोर इन्हें खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने पर उसका जो डाइजेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों चीज़ें बेटा क्या कर जाती हैं, डिस्टर्ब कर जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और डाइजेशन भी ख़राब, रिप्रोडक्शन भी ख़राब। डाइजेशन ख़राब तो भैया बहुत सारी बीमारी होंगी, और रिप्रोडक्शन भी ख़राब तो भैया बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो मतलब मारता ऐसा नहीं है, मारता ऐसे है कि तुम तो मरोगे ही,
साथ साथ में जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी नहीं बचेंगी। बात समझ आ रही है ना? कहते हैं ना समूल वंश विनाश कर देंगे, है ना। तो ये क्या करता है, जो आपकी ये प्लांट होती है क्या करते हैं, ये हर्बीवोर का समूल वंश विनाश कर देते हैं, पूरा वंश ही समाप्त कर देते हैं, रिप्रोडक्शन भी नहीं होने देते। डाइजेशन तो होने नहीं दे रहे हैं, डाइजेशन को डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में रिप्रोडक्शन को भी बेटा नहीं होने देते, और उसकी वजह से जो हर्बीवोर होता है वो मर भी सकता है। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद में देखिए, आपको बताया जा रहा है प्लांट प्रीडेटर्स, जो प्लांट होते हैं बहुत सारे बेटा हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करते हैं, और बेटा ये जो होते हैं ये कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस ये जो प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट, ये इसका नाम क्या है, कैलाक्रोपिस। याद रखिएगा, कैलाक्रोपिस वीड जो होता है इससे कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस होता है, और ये बेटा इस वजह से कैटल और गोट कभी भी इस प्लांट के आसपास में देखने को नहीं मिलते। आप मदार के पेड़ के पास में देखना, कभी आपको बकरी गाय बैल वगैरह बेटा मदार के पेड़ के पास में नहीं मिलेंगे, कैलाक्रोपिस के पास में नहीं मिलेंगे। कैलाक्रोपिस में क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस। अब देखो इसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ प्लांट बताए जा रहे हैं उनसे जो केमिकल्स मिलते हैं। बेटा प्लांट जिनसे केमिकल मिलते हैं, निकोटीन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्ट्राइचनीन है, ओपियम है, ये वो केमिकल हैं जो बेटा प्लांट से में ऑप्टेन होते हैं, और ये डिफेंस देते हैं अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। इसके बाद में देखिए आपको कंपटीशन बताया जा रहा है, आपको बताया है कि कंपटीशन जो होता है इसमें इंट्रैक्शन, कंपटीशन कैसा इंट्रैक्शन है बताइए, कंपटीशन प्लस माइनस होता है या माइनस माइनस होता है, कंपटीशन कैसा होता है बच्चों, माइनस माइनस। ध्यान से देखिएगा, कंपटीशन कैसा होता है, माइनस माइनस, ठीक है, कंपटीशन कैसा होता है, माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे दोनों स्पीसीज को क्या होता है, नुकसान होता है। अब देखो यहाँ पर आपको बताया ये कंपटीशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, डार्विन ने। तो जनरली लोगों को लगता है कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही होता है, ऐसा लोग मानते हैं ज़्यादातर लोग बेटा। डार्विन के अनुसार लोगों ने बोला कि कंपटीशन क्या है, तो लोग बोला कि ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, या ह्यूमन कुत्ते और बिल्ली के बीच में, ठीक है, जो कंपटीशन हो रहा है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है बेटा, उसे कंपटीशन बोलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज या अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो कंपटीशन जो होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी होता है, और अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, और ये कंपटीशन किसके लिए होता है, सेम रिसोर्सेज के लिए, है ना। याद रखिएगा, ये जो अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, सेम रिसोर्सेज के लिए। अब इसके बाद में जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है बेटा, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, इसका एग्जांपल दिया जा रहा है सालो साउथ अमेरिकन लैक, यहाँ पे बहुत सारी विजिटिंग फ्लेमिंगोस रहती हैं, और जो रेजिडेंट फिशेज हैं बेटा, जो बर्ड है फ्लेमिंगो और जो फिश है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, दो अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो ये कंपटीशन हो रहा है दो डिफरेंट या अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में। तो देखो जो कंपटीशन है वो सेम स्पीसीज में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकता है, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है। जैसे आपको बताया जा रहा है जो रेजिडेंट फिशेस हैं इनके लिए कॉमन फूड कौन है बच्चों, जू प्लैंकेटॉन। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एक टर्म है कंपटीटिव इनहिबिशन, है ना, यहाँ पे एक टर्म आपको बताया जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पे कंपटीशन की एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन दी गई है, कंपटीशन का मतलब क्या बताया जा रहा है, कंपटीशन इज द डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्रेजेंस ऑफ अनोदर स्पीसीज, मतलब जिसकी आर वैल्यू बेटा कम होती है या इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कम होता है ना, उसमें कंपटीशन जो होगा, जिसकी आर वैल्यू कम होगी वो उसकी जो वो जो स्पीसीज होगी वो रिलेटिवली क्या होगी, लेस
सुपीरियर होगी और लेस सुपीरियर स्पीसीज को बेटा एलिमिनेट कर दिया जाएगा नेचर से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपको यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है, एक और टर्म दिया गया है बेटा यहाँ पर, देखिए आपको बताया जा रहा है, एक एग्जांपल है गैलापागोस आइसलैंड का। गैलापागोस आइसलैंड जो है, गैलापागोस आइसलैंड में रहते थे अबिंगन टॉर्टाइस, और वहाँ पे हमने किसको इंट्रोड्यूस किया बेटा, गोट को। जब हमने वहाँ पे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो आपकी गोट थी ये सुपीरियर स्पीसीज थी, एम्बियन टॉर्टाइस जो थे ये लेस सुपीरियर स्पीसीज थे, और इस वजह से जो गोट थी वो बेटा उसने एम्बियन टॉर्टाइस को एक्शन कर दिया। क्या कर दिया? एक्शन कर दिया। बोलो बात ये समझ में आ रही है? अब इसके बाद में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कम्पटिटिव रिलीज के बाद बारे में, किसके बारे में बताया जा रहा है? कम्पटिटिव रिलीज, ठीक है। कम्पटिटिव रिलीज क्या होता है ध्यान से देखिएगा। कम्पटिटिव रिलीज में बोला जा रहा है कि अगर एक स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर उसे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रखा जाए तो दूसरी स्पीसीज के कारण, जो सुपीरियर स्पीसीज होती है उसके कारण बेटा क्या होता है, वो आपकी जो लेस सुपीरियर स्पीसीज होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल में दिया जा रहा है आपको स्मॉलर, एक सुपीरियर ब्रैंकल है, सुपीरियर ब्रैंकल स्पीसीज है बेलेनस, है ना, और ये डोमिनेट कर रही है इंटरटाइडल एरिया में, और उसके कारण जो लेस सुपीरियर स्पीसीज होती है स्मॉलर ब्रैंकल कैथेमलस बेटा यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। अब इसके बाद में देखिए आपको एक प्रिंसिपल बताया जा रहा है, गॉस कम्पटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखिएगा गॉस एक्सक्लूसिव कंपटीशन प्रिंसिपल, ये कंपटीशन के लिए दिया गया है, और गॉस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया गया है कि ये बेटा ये जो आपका प्रिंसिपल है ये आपको बताता है कि अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ध्यान से देखिएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करती हैं वो एक साथ में कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब ये बात हमेशा सही नहीं है, है ना, क्योंकि नेचर में क्या देखने को मिलती है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। और इसे सबसे पहले बेटा डिफाइन किसने किया था? मैक ऑथर ने। इन्होंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ स्पीसीज कंपटीशन को अवॉइड करती हैं और आपस में बेटा को एग्जिस्ट करती हैं। क्या करती हैं? को एग्जिस्ट। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है बेटा, किसका एग्जांपल लिया है? वार्बल्स का। वार्बल्स जो होती हैं, वार्बल्स बेटा जो हैं सेम स्पीसीज की कुछ वार्बल्स हैं जो एक पेड़ पे रह रही हैं, और जो दूसरी वार्बल्स हैं डिफरेंट स्पीसीज की वो एक ही साथ में रहती हैं, एक ही पेड़ पे रहती हैं, लेकिन वो अपनी फॉर्जिंग एक्टिविटी को बेटा क्या कर लेती हैं, अलग अलग कर लेती हैं, मतलब जो आपका फीडिंग पैटर्न होता है वो चेंज कर लेती हैं। तो फीडिंग पैटर्न को चेंज कर लेती हैं, उस वजह से यहाँ पर आपको बेटा क्या देखने को मिलता है, कंपटीशन अवॉइड होते दिखता है, है ना। तो ये दो स्पीसीज आपस में एक साथ एक ही जगह पर रह लेती हैं क्योंकि वो अपनी फॉर्जिंग एक्टिविटी को या फीडिंग पैटर्न को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको बताया जा रहा है पैरासिटिज्म के बारे में। याद रखिएगा जो पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म कैसा होता है आप याद रखिएगा, ये वाला जो रिलेशनशिप है इसमें एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है। जो बेटा पैरासाइट होता है उसको फायदा होता है, और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ जो बेटा ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, उनमें एक चीज़ बेटा बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि उन्हें खाने को भी फ्री मिलता है और रहने को भी फ्री में मिलता है। बात समझ आ रही है? तो पैरासाइट क्या होते हैं? वो लोग जिनको खाने को फ्री मिले और रहने को फ्री मिले उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट। बोलो बात समझ आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, पैरासिटिज्म के कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए पैरासाइट के कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, किसका बेटा? एक एग्जांपल दिया जा रहा है पैरासाइट का। देखिए दिया जा रहा है कि कभी कभी एक सिंगल होस्ट हो सकता है और कभी कभी बेटा दो होस्ट हो सकते हैं। तो दो होस्ट में बेटा एक आपको एग्जांपल दिया जा रहा है ह्यूमन लिवर फ्लूक का। ह्यूमन लिवर फ्लूक के केस में
जो लिवर फ्लूक है ये क्रेमेटोड पैरासाइड है और इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक स्नेल होता है और दूसरा फिशेस होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अब बेटा देखिए इसके बाद में आप अगले नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि जो पैरासाइट हैं, ये पैरासाइट हमारे पास में दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के पैरासाइट बच्चों। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है कैसा? एक्टो पैरासाइट। और बेटा दूसरा कैसा होता है? एंडो पैरासाइट। देखिए पैरासाइट कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। एक हो गया एक्टो पैरासाइट और दूसरा क्या हो गया? एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं? एक्टो पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जो होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाएं, उन्हें बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। क्या बोलते हैं? एक्टो पैरासाइट। जैसे एक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल में आपको दिया जा रहा है लाइस ऑन द ह्यूमंस एंड डॉग्स के ऊपर जो टिक्स होते हैं, ये आपके बेटा क्या हो गए? ये आपके हो गए एक्टो पैरासाइट। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कस्कूटा। बेटा कस्कूटा एक पैरासिटिक प्लांट है और ये भी किसका एग्जाम्पल है? बोलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिज्म का। और पैरासिटिज्म में किसका एग्जाम्पल है? एक्टो पैरासाइट का। क्लियर है बात? बोलो बोलो, सर को जगा लो सर। अब देखिए इसके बाद में बेटा देखिए यहां पर अब आपको क्या बताया जा रहा है, यहां पर अब आपको बताया जा रहा है एंडो पैरासाइट के बारे में। एंडो पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, लिव इनसाइड द होस्ट, इन्हें क्या कहते हैं? एंडो पैरासाइट। और एंडो पैरासाइट बेटा कहाँ रहते हैं? डिफरेंट साइट पे रह सकते हैं, लीवर में रह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के या होस्ट के, किडनी में रह सकते हैं, लंग्स में रह सकते हैं, आरबीसी में भी रह सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? आपके ब्लड में रहता है, आपके लीवर में रहता है, आरबीसी के अंदर, है ना, याद है आपको। एंड देन इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म किसके बीच में होती है? बर्ड्स के बीच में होती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं? दो बर्ड्स हैं, एक है कुकू, एक कौन है भाई? कुकू। एक है कोयल और दूसरा है क्रो, है ना। तो कौन किसका बच्चा पालता है? कौआ कोयल का बच्चा पालती है, ठीक है ना। कुकू और क्रो बेटा ये किस, इनके बीच में क्या देखने को मिलती है? ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है ना। कुकू और क्रो के बीच में, है ना, कुकू कोयल और क्रो के बीच में क्या देखने को मिलती है? ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म कहाँ देखने को मिलती है? कुकू और कोयल के बीच में। कौन किसके में अंडा रख के आता है? कोयल अपना बच्चा बेटा कौवे के घोंसले में रख के आती है, ये भी एक टाइप की पैरासिटिज्म है, इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। एंड देन इसके बाद में देखिए आप आ जाइए बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन सेलिज्म। एग्जाम्पल्स बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से एग्जाम्पल्स देख के जाइएगा बस। कॉमन सेलिज्म में आपको पता है एक को तो फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो अगर एक स्पीसीज को फायदा है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान है, इसे बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। और इसके बाद में अब देखिए बोला जा रहा है ऐसी इंट्रैक्शन जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट है और दूसरे को ना तो फायदा है ना तो नुकसान है, इसे क्या कहते हैं? कॉमन सेलिज्म। इसका एग्जांपल आपको दिया जा रहा है एक, बेटा देखिए आपको बताया जा रहा है जो मैंगो जो एपिफाइट होते हैं, कुछ एपिफाइट प्लांट हैं जैसे कि ऑर्किड। बेटा ऑर्किड जो होता है मैंगो ब्रांच में रहता है, ये कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है, है ना। ऑर्किड को क्या होता है? फायदा होता है, मैंगो प्लांट को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। वैसे ही आपको बताया जा रहा है जो बेरेंकल्स होते हैं, बेरेंकल्स वेल के बैक पे पाए जाते हैं, तो वेल को ना फायदा ना नुकसान है, बेरेंकल्स को फायदा होता है, उसको फायदा क्या है? वो प्रिडेशन से बच जाते हैं। इसके बाद में देखिए बेटा आपको बताया जा रहा है कैटल एंड अर्गट, कैटल अर्गट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, है ना। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये भी आपको बेटा क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे कॉमन सेलिज्म देखने को मिलता है। तो ये तीन एग्जाम्पल ये हो गए। और इसके बाद में देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए आपको दिखाया जा रहा है कॉमन सेलिज्म का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है स्टिंगिंग टेंटकिल्स। ये जो स्टिंगिंग टेंटकिल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? सी एनीमोन में, ठीक है ना। सी एनीमोन में बेटा क्या होते हैं? स्टिंगिंग टेंटकिल्स होते हैं। और इसके साथ में बेटा कौन रहती है? क्लॉनफिश। तो सी एनीमोन और क्लॉनफिश का जो
आपका एसोसिएशन है ये कैसा है, कॉमन सेलिज्म का रिलेशनशिप है। और इसके बाद में देखो ध्यान से देखना, यहां पर यहां पे एनीमोन सी एनीमोन को बेटा क्या है, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन क्लोन फिश को फायदा होता है ना। सी एनीमोन को ना फायदा होगा ना नुकसान। अब इसके बाद में देखिए, ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअलिज्म देख लीजिए। म्यूचुअलिज्म क्या है, इट इज द इंट्रैक्शन जिसमें बेटा दो स्पीसीज होती हैं, दोनों इंट्रैक्ट करती हैं और दोनों को फायदा होता है। अगर दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, दोनों इंट्रैक्टिंग स्पीसीज को फायदा है, तो इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। एंड म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, माइकोराइजा है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बेटा एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। और इसके बाद में आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में आपको बेटा एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, प्लांट प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। ये प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप है बेटा, ये भी किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। याद रखिएगा, म्यूचुअलिज्म का नेक्स्ट एग्जांपल कौन है, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। तो प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, बताइए किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का, ठीक है ना। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, ये आप मार्क कर लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है। पहला एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म है, दूसरा लाइकेन है, और तीसरा कौन सा है, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। इसके बाद में ध्यान से देखना, इसके बाद में बेटा एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपका, नीचे देख लीजिए, वेब्स वेब्स और वेस्प और बेटा फिग के बीच में, वेब्स और फिग के बीच में, ठीक है ना। वेब्स और फिग के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है फिग स्पीसीज और वेब्स के बीच में। ये भी किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। तो बेटा अभी तक मैंने चार एग्जांपल बता दिए, और एक ये वाला बेटा सीडो कॉपलिज्म वाला जो आपका फिगर है, ये आप देख के जाइएगा, सीडो कॉपलिज्म कहाँ देखने को मिल रही है, ऑर्किड में। मार्क कर लीजिएगा, सीडो कॉपलेशन कहाँ होता है, ऑर्किड में, ठीक है ना। सीडो कॉपलेशन कहाँ होता है, पूछा जाता है बच्चों, सीडो कॉपलेशन या सेक्सुअल डेसिट कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है ऑर्किड में। तो ये सारे बेटा एग्जांपल्स के साथ में इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज मैंने रिवाइज करा दिया है। जिनको कोई दिक्कत हो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल हम लोग बेटा इसी इकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।